हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जाम 2023 फरवरी बैच, तो समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेरिटाइम स्टडीज मतलब सिम्स, तो समुद्रा ने एक फॉर्म निकाला है फॉर डीएनएस फरवरी 2023 बैच। तो मैं आपको इस बारे में दिखाऊंगा कि आपको उस फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, बाकी सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको एक करेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, उसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, कहाँ से क्या लिखना है, कहाँ पर क्या पुट करना है। तो आई शो एवरी थिंग इन दिस वीडियो ओनली। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई अंडरस्टूड दैट इफ यू वांट डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जाम स्टडी मटेरियल, आईएमसी स्टडी मटेरियल, इवन सेकेंडरी टेस्ट स्टडी मटेरियल, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए, पहले आपको जाना पड़ेगा समुद्र का जो वेबसाइट है, samudra.com, जैसे गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा समुद्र का वेबसाइट। तो आपके सामने अभी आ रहा है इसका जो वेबसाइट का जो फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप जैसे इसका जो ओपन करेंगे, तो देखिए पहले आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो पहले आपको मैं दिखाई देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे आप उसका मतलब क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो पहले आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है डेक ऑफिसर ट्रेनिंग, मतलब DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डेक ऑफिसर ट्रेनिंग। आपको पहले इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, और इसको ठीक से पढ़िएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ड्यूरेशन 1 ईयर का, ठीक है, प्री सी ट्रेनिंग 1 ईयर का, और 18 मंथ्स सी टाइम चाहिए, ठीक है, और 4 मंथ्स मतलब उसके बाद आपका फिर जो मतलब सेकेंड मेट का एग्ज़ाम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए हाँ, अभी देखिए यहाँ पे आ गया एज लिमिट का, देखिए पहले दिया हुआ एज एलिजिबिलिटी फॉर डेक कैडेट एज नॉट लेस देन 17 ईयर्स, ठीक है, और अपर लिया अपर जो मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 ईयर्स फॉर क्लास 12th कैंडिडेट्स, ठीक है, और 22 ईयर्स फॉर BSc। मतलब क्या है कि अगर आप BSc किया हुआ है तब भी आप DNS कर सकते हैं उनके लिए 22 ईयर्स तक, और जो लोग BE या फिर BTech किया हुआ है उनके लिए 25 ईयर्स तक, ठीक है। अब देखिए कंपनी टू कंपनी, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, तो ये समुद्र के लिए यही इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एज लिमिट आपको यहाँ से मालूम चल गया। और अभी देखिए जो एकेडमिक्स का है, देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है ठीक से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम शुड बी ऑब्टेन एट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड ओनली। मतलब अगर आप 2 बार में क्लास 12th पास किए हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको एक ही बार में पास करना पड़ेगा और आपको रेगुलर बोर्ड से पास करना पड़ेगा, ठीक है, या मतलब कोई CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, या फिर आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड। अब अगर ओपन से पास करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, बट किसी किसी कंपनी में या फिर IMCT में ओपन से भी चलता है, मतलब NIOS जिसको हम बोलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से भी चलता है, बट इसमें ओपन से नहीं चलेगा, आपको रेगुलर बोर्ड से पास करना पड़ेगा और वो भी एक ही बार में पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड दैट इज अप्रूव्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल, ठीक है। तो मतलब भाई आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो इससे अप्रूव पाया हुआ हो, ठीक है। फिर बात करेंगे मार्क्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 60%, मतलब आपका क्लास 12 में एक तो आपका PCM रहना ही पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स तो रहना ही पड़ेगा क्लास 12 में, ठीक है, और सब कुछ मिला के 60% आना चाहिए, और PCM मिलेगा भी 60%, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, सबको पता ही है PCM का एग्रीगेट 60%। और लिखा हुआ देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें भी अलग अलग से 50 मतलब मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपका फिजिक्स में मिनिमम 50 और मैथमेटिक्स में मिनिमम 50 रहना चाहिए। फिर देखिए लिखा हुआ है हाँ सेम, मिनिमम एग्रीगेट फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 60%, ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिला के मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और देखिए लास्ट में देखिए लिखा हुआ है फॉर आंध्र प्रदेश एंड केरला स्टेट बोर्ड 11th and 12th एग्रीगेट मार्क्स विल बी कंसिडर फॉर द अबव मेंशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपका अगर आप आंध्र प्रदेश एंड केरला के बोर्ड से हैं तो आपका 11th का भी मार्क्स इतना ही होना चाहिए मिनिमम, 12th का तो होना ही चाहिए, प्लस आपका 11th का भी मार्क्स इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। एंड देखिए कैंडिडेट्स हुए अपियर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास 12th कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप BSc किए हुए हैं तो देखिए लिखा हुआ है BSc इन फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज वन ऑफ द ईयर्स विथ एन एवरेज नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन फाइनल ईयर्स एंड 60% मार्क्स ओवरऑल। कैंडिडेट्स शुड हैव ऑल्सो सिक्योर मिनिमम 55% मार्क्स इन PCM इन क्लास 12। मतलब क्या, अगर आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं
तो उस टाइम पे क्या आपका क्लास 12 में मिनिमम 55% रहना चाहिए BCM में, और आपका टोटल आपके कॉलेज का तीनों साल मिला के मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए, और लास्ट फाइनल ईयर में आपका मिनिमम 55% मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर आप BE या फिर BTEC किए हुए हैं फ्रॉम IIT और कॉलेज रिकॉग्नाइज बाई AICTE विथ एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 50% ऑफ एग्रीगेट इन द फाइनल ईयर, तो अगर आप BE या फिर BTEC किए हुए हैं तो आपके उस टाइम पर मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फाइनल ईयर में। एंड देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हुए अपियर फॉर क्लास 12 BSc BE BTEC इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपियर, ठीक है। तो आप दे सकते हैं एग्जाम। तो मेडिकल दिखाया हुआ, देखिए मेडिकली फिट एंड मीट द स्टैंडर्ड बाई डी शिपिंग एंड ESM एंड सिम्स। देखिए सिम्स तो मतलब ESM क्यों लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, बिकॉज सिम्स का सारा स्टूडेंट को ESM स्पॉन्सरशिप देता है, मतलब ESM एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, मतलब आपका इस कॉलेज में एक बार एडमिशन हो गया मतलब आपका प्लेसमेंट फाइनल है, ठीक है। और देखिए इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए क्लास 10 और फिर क्लास 12। और आई साइड देखिए लिखा हुआ है, 6x6 इन बेटर आई एंड 6x9 इन अदर आई, नो यूज ऑफ करेक्टर लेंसेज अलाउड, नो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और 6x6 रहना ही पड़ेगा, और आपके पास IMUCT का एक रैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास जॉय मतलब आपका एडमिशन से पहले आपके पास एक आपका वैलिड पासपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट अगर नहीं है तो फिर आप बना लीजिए, बिकॉज फेब्रुअरी मतलब अभी भी टाइम है, अभी आप मतलब एडमिशन के टाइम पे चाहिए आपको पासपोर्ट, तो पासपोर्ट बनाना सबसे बेटर होगा। अगर आपको इनका ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके अब इसका सब कुछ बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फीस कितना होता है क्या सब इन्फॉर्मेशन, कॉल हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है, कैसा कॉलेज है, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो अभी बात करेंगे, तो ये हो गया आपके एलिजिबिलिटी का, अभी बात करेंगे कि इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा कैसे। देखिए अभी देखिए इसके नीचे देखिए जो लिखा हुआ है ना कोर्स एप्लीकेशन, फिर देखिए लिखा हुआ है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, आप इस पर क्लिक करेंगे कोर्स एप्लीकेशन पे। तो देखिए ये कोर्स एप्लीकेशन खुल गया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2023, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है आप सबको टिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टिक करके जो भी आपका, मैं अभी फॉर्म सब सबमिट नहीं करूँगा, मैं बस दिखा दूंगा आपको एक बार। तो देखिए ये सब जो पॉइंट्स लिखा हुआ है आप इसको ठीक से पढ़िएगा एक बार, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस फॉर फेब्रुअरी 2023 बैच, पेमेंट का अमाउंट ऑनलाइन है, यहाँ पे आपका आधार नंबर पुट करना पड़ेगा, IMUCT रैंक मतलब जो 2020-22 में जो आपका लास्ट IMUCT हुआ था तो उसमें आपका कितना रैंक आया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, हाइट वेट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको यहाँ पर्टिकुलर मतलब आपका करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप एक बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे फिर आपका आप फिर इसको टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिनिमम साइज़ मिनिमम 200 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, फादर कॉन्टैक्ट नंबर और एनुअल इनकम ऑफ फादर। और देखिए आपका आई साइड भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस नो नो, 10th का डिटेल्स लिखना पड़ेगा, क्लास 10th का मार्क्स जो भी है, बोर्ड बोर्ड आप सब कुछ जब जब भी फिल करते हैं तो करेक्ट फिल कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज एक बार गलती हो गया तो फिर आप इसको फिर करेक्ट नहीं कर सकते। 12th का मार्क्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का मतलब अगर आप BSc किए हुए हैं या फिर BE या फिर BTEC तो उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिर देखिए आप यहाँ पे आ गया, प्रेफर चूज ऑफ सिटीज़ फॉर ऑनलाइन टेस्ट, आप कौन सा सिटी में आप चूज मतलब ऑनलाइन टेस्ट देना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन है आपका, चंडीगढ़, दिल्ली, लोनावाला, कोची, चेन्नई, पटना, कोलकाता, ठीक है। तो अब जो भी आप जो भी मतलब आपके घर के आसपास में है इन लोकेशन आप वो चूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ डू कम टू नो अबाउट दिस कॉलेज मीन्स सिम्स लोनावला, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे तो आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको ये मतलब आपका जो भी डाउट है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, ऑफिस वालों के साथ। ठीक है, इसमें जो टर्म्स में एप्लीकेशन और डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट है तो नॉर्मल है, आप एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आपको करना पड़ेगा सबमिट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पेज में आएगा फिर पेमेंट का, जो यहाँ पे देखिए ना अब लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन पेमेंट, तो पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, पेमेंट 700 रुपये के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि पेमेंट कितना है, बट पेमेंट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है।
तो यही इसका पूरा फॉर्म है। आप पहले इसको जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप जो यहाँ पे टिक कर रहे हैं, पहले आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये सब आपको क्लियर होना चाहिए क्या 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 सीन है इसी, मतलब इस कॉलेज का फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी भी टाइम है, ठीक है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज मेरे चैनल में ऐसे वीडियो आता रहेगा। तो आज के वीडियो में इधर ही ख़त्म करता हूँ, बट आप पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी है ना, आप ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर ठीक से पुट कीजिएगा, बिकॉज पेमेंट के बाद बाकी सब इन्फॉर्मेशन, मतलब बाकी सब कम्युनिकेशन आपकी ईमेल के थ्रू होगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।